कार्तिक पुजारी मन में सोचने लग जाते हैं, अब मैं वर्चस्विनी को कैसे बताऊं कि मेरा मकसद तारा की आवाज वापस लाना नहीं है बल्कि कुछ और है। मैं 2 सालों से एक दूसरे ही कार्य में लगा हुआ हूँ। कार्तिक पुजारी जब वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं तो वर्चस्विनी फिर कार्तिक पुजारी से अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, आप चुप क्यों हैं पुजारी जी, बताइए ना आप कब तक मेरी बेटी की खोई हुई आवाज वापस जागृत कर देंगे ताकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा सकूं। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहते हैं, ये सब इतना आसान नहीं है वर्चस्विनी, इन सब चीजों में वक्त लगता है, सब कुछ तारा पर निर्भर करता है। वो जितनी जल्दी देवों को प्रसन्न करेगी उसकी आवाज उतनी जल्दी वापस आ जाएगी। वर्चस्विनी कुछ और कहती है उससे पहले ही वहाँ पर तारा आ जाती है जो कि नहाकर आराधना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। जब वर्चस्विनी की नजर तारा पर पड़ती है तो वो बस उसे देखती रह जाती है। आज तारा 2 सालों में पहली बार खुद से तैयार हुई थी, वरना वर्चस्विनी को ही उसे हमेशा तैयार करना पड़ता था। वर्चस्विनी तारा को देखते हुए ममता भरी आवाज में कार्तिक पुजारी से कहती है, आप सही कह रहे थे पुजारी जी, मेरी तारा बेटी सच में अब बड़ी हो गई है। कार्तिक भी तारा को देखकर गर्व के साथ कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था तारा कि तुम खुद स्वयं सब कुछ कर लोगी, आखिर तुम मेरी शिष्य जो हो, महादेव की कृपा तुम पर अभी भी बनी हुई है। तारा मुस्कुराने लग जाती है पर चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाती है। कार्तिक पुजारी तारा से कहते हैं, अब हमें और विलम्ब नहीं करना चाहिए तारा बेटी, वैसे ही काफी विलम्ब हो चुका है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर कार्तिक पुजारी तारा के साथ कुटिया से बाहर जाने लग जाते हैं। तारा भी उनके साथ जाने लग जाती है। वर्चस्विनी कुटिया के अंदर ही रहती है। जब कार्तिक पुजारी तारा को लेकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ से बिंदु भागते हुए उनकी तरफ आ रही थी। इस वक्त भी उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बांस की टोकरी पकड़कर रखी हुई थी। जैसे बिंदु कार्तिक पुजारी के पास पहुंचती है हांफते हुए तुरंत बोल पड़ती है, ये लीजिए पुजारी जी, मैं 108 गुड़हल के फूल की माला ले आई। जब कार्तिक पुजारी बांस की टोकरी की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर गुलहड़ के ताजे फूलों की माला रखी हुई थी। पुजारी जी मुस्कुराते हुए बिंदु से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बिंदु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी माला ले आओगी। बिंदु पलट कर कहती है, माला जल्दी कैसे न लाती पुजारी जी, मुझे भी तो मेरे कायर। बिंदु इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, बिंदु ये उचित समय नहीं है बातें करने का, हमें पहले ही देरी हो चुकी है, मैं तुमसे आराधना के बाद मिलता हूँ, हो सकता है आज आराधना सफल हो जाए। बिंदु का कुछ जवाब सुने बिना ही कार्तिक पुजारी बिंदु के हाथ से वो टोकरी लेते हैं और तारा के साथ मंदिर के अंदर जाने लग जाते हैं। बिंदु मंदिर की सीढ़ियों पर ही खड़ी रहती है। कार्तिक पुजारी और तारा के चले जाने के बाद बिंदु मायूसी के साथ उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है। बिंदु मायूसी के साथ खुद से कहती है, कार्तिक पुजारी जी कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं जब भी कायर का जिक्र करती हूँ वो हमेशा मेरी बात को काट देते हैं, अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ, कायर ही तो मेरा सब कुछ था, उसके बिना मुझे मेरी ये जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, प्यार से ही जिंदगी है और प्यार के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है। बिंदु कायर को याद करते हुए खुद से कहती है, मुझे कायर से नहीं झगड़ना चाहिए था, शायद उस रात अगर मैं कायर से नहीं लड़ती तो वो मेरे साथ होता, मुझे उसे इस तरह हमेशा हमेशा के लिए खोना नहीं पड़ता, उसके बिना इस तरह जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उस भक्षानर युग ने हमें दोस्ती का बहुत अच्छा सिला दिया है, दोस्ती के नाम पर सबको मार दिया उसने। बिंदु की आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं और वो सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही कायर की याद में गमगीन हो जाती है। इस तरफ मंदिर के अंदर पुजारी जी ने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली थी। वो मंदिर के गर्भगृह में एकदम बीचों बीच बैठे हुए थे। उनके सामने एक हवन कुंड था और वहीं पर तारा भी बैठी हुई थी। कार्तिक पुजारी और तारा आमने सामने थे और उनके बीच में हवन कुंड रखा हुआ था। हवन कुंड के साइड में ही माँ काली की एक 2 फुट की मूर्ति रखी हुई थी जिस पर कार्तिक पुजारी ने गुड़हल के फूलों की माला चढ़ा दी थी और वो काल का यज्ञ शुरू कर चुके थे। तारा ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। कार्तिक पुजारी मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ में आहुति डालने लग जाते हैं। तारा के होंठ तो हिल रहे थे पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक पुजारी ने उसे भी मन ही मन मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया हो और तारा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन मंत्र को बोलने की। कार्तिक पुजारी मंत्र का जाप करते हुए कहते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तेते। कार्तिक पुजारी लगातार मंत्र का जाप करते जा रहे थे और यज्ञ में आहुति डालते जा रहे थे।
कार्तिक पुजारी के साथ ही तारा भी मंत्र का जाप करने की कोशिश करते हुए हवन कुंड में आहुति डालते जा रही थी। जब मंत्रों का जाप खत्म हो जाता है तो कार्तिक पुजारी तारा को कहते हैं, तारा बेटी अपने बगल में रखे शंख को उठाओ और उसे बचाओ। तारा अपना हाथ अपने अगल बगल फेरती है तो एक बड़ा सा शंख उसके हाथ लग जाता है जो उसके बगल में ही रखा हुआ था। तारा उस शंख को उठाती है और एक लंबी सांस अपने सीने के भीतर खींचते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लग जाती है। कार्तिक पुजारी भी बड़ी उम्मीद के साथ तारा की तरफ देखने लग जाते हैं। तारा शंख बचाने की कोशिश तो करती है पर बचा नहीं पाती है। कार्तिक पुजारी फिर एक बार तारा को शंख बचाने के लिए कहते हैं पर तारा हर बार नाकाम रहती है। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था कार्तिक पुजारी की उम्मीदें टूटते जा रही थी। उनका चेहरा मायूसी के साथ लटकते जा रहा था। कुछ देर बाद ही जब हवन कुंड की लौ कुछ कम हो जाती है तो कार्तिक पुजारी खुद ही अपनी जगह पर से उठ जाते हैं। कार्तिक पुजारी तारा से कहते हैं, तुम यहीं पर बैठकर आराधना करो तारा बेटी, तुम्हारी आराधना भी समाप्त नहीं हुई है। माँ काली शायद मेरी नहीं तुम्हारी पुकार सुनना चाहती है, तभी आराधना सफल हो पाएगी। मैंने 2 सालों में जो जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं तुम खुद से उन मंत्रों का जाप करते हुए शंख बजाने का प्रयास करती रहो। तारा कार्तिक पुजारी के सिखाए उन मंत्रों को याद करती है और मंत्रों का जाप करने लग जाती है। वो उन मंत्रों का जाप करने में खो जाती है। कार्तिक पुजारी अगले ही पल मंदिर से निकलने लग जाते हैं। इधर कार्तिक पुजारी जब मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बिंदु सीढ़ियों के पास ही मायूसी के साथ अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। कार्तिक पुजारी बिंदु को पीछे से ही आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे बिंदु बेटा तुम अभी तक यहीं पर बैठी हुई हो। कार्तिक पुजारी की आवाज सुनकर बिंदु तुरंत सीढ़ियों पर से उठने लग जाती है। बिंदु की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, वो अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछने लग जाती है। पर तब भी कार्तिक पुजारी की बिंदु की आंखों के उन आंसुओं पर नजर पड़ी जाती है। कार्तिक पुजारी बिंदु के पास जाकर उसकी नम आंखें देखते हुए कहते हैं, बिंदु बेटी तुम रो रही हो। बिंदु झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं पुजारी जी, वो बस मेरी आंख पे कंकड़ चले गया था। कार्तिक पुजारी बड़े प्यार से बिंदु से कहते हैं, आंखों में आंसू कंकड़ से आया है या मन के घाव से आया है वो मुझे देखकर ही पता चल जाता है। बिंदु बेटी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, इन 2 सालों में काफी अच्छे से जान गया हूँ मैं तुम्हें। कार्तिक पुजारी बड़ी सहानुभूति के साथ बिंदु से कहते हैं, बताओ बिंदु बेटी क्या बात है। बिंदु अभी भी खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती है। कार्तिक पुजारी बिंदु का भरोसा हासिल करते उम्मीद के साथ कहते हैं, बोलो बिंदु बेटी क्या बात है। तुम मुझे अपने पिता की तरह ही समझो, तुम मुझे अपने दिल की सारी बात बता सकती हो। बिंदु भी कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, कुछ नहीं पुजारी जी, कुछ दिनों से कायर की बहुत याद आ रही है, हमेशा उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ, हर जगह मुझे वही दिखता है, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है, अब मैं चाहकर भी उसकी नहीं हो सकती। कार्तिक पुजारी बड़े प्यार से कहते हैं, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है बिंदु, कायर तुमसे भले ही दूर हो गया हो पर वो तुम्हारे दिल के आज भी करीब है, यही कारण है कि वो तुम्हें हर जगह नजर आ रहा है, यही उसके लिए तुम्हारा सच्चा प्रेम है। बिंदु की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, अपने आप को संभालो बिंदु और कोशिश करो कि आंसू ना बहाओ, क्योंकि आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है और मन हल्का होने से अंदर की बदला लेने की आग भी कम हो जाती है, और तुम्हें उस आग को कम नहीं होने देना है बल्कि बढ़ाए रखना है, ताकि जब कायर की जान लेने वाला तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम बिना किसी दया के उसका अंत कर सको। तुम जानती हो ना तुम्हारे कायर के साथ किसने क्या किया है। बिंदु गुस्से के साथ कहती है, मेरे कायर को मुझसे जुदा करने वाले को मैं कैसे भूल सकती हूँ पुजारी जी, ये सब किया धरा उस युग का ही है, मैं उसे अपना कितना अच्छा दोस्त समझती थी और उसी ने मेरे कायर को मार दिया, कायर को क्या उसने तो सबको मार दिया। इतना कहकर बिंदु कस कस कर रोने लग जाती है। बिंदु रोते हुए ही फिर से बोल पड़ती है, अब मेरा इस जहान में कोई नहीं बचा, मेरी माँ को भी उस रात उन मुर्दों ने मार दिया और फिर बाद में उस युग ने मेरे कायर को, मैंने कायर को कितना समझाया था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी ना जाए, युग भक्षानर बन चुका है पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, और आपने देखा ना पुजारी जी उस युग ने क्या किया मेरे कायर के साथ, मार दिया उसे भी, उस रात से वो कभी वापस नहीं आया। कार्तिक पुजारी बिंदु को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना बिंदु बेटी ऐसे रो मत, अपने आंसुओं को संभाल कर रखो, तुम्हें इन्हीं आंसुओं से आग बनानी है जिसमें तुम्हें युग को जलाकर राख कर देना है। बिंदु रोते हुए ही कहती है, पूरे 2 साल हो गए हैं उस दिन का इंतजार करते करते पुजारी जी, रोज रात मुझे सपना आता है जिसमें युग मुझसे मेरे कायर को जुदा कर रहा होता है,
वो दिन कब आएगा पुजारी जी, जिस रात मैं युग को उसकी यामिनी से जुदा करूंगी। कार्तिक पुजारी जी मंदिर की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब वो दिन तारा ही ला सकती है बिंदु, बस एक बार तारा के साथ जिस लक्ष्य को हासिल करने में हम लगे हैं उसमें कामयाब हो जाए, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बिंदु खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती है। कार्तिक पुजारी अपने आसपास देखते हैं और बिंदु से धीरे धीरे कहते हैं, पर तब तक हमें वर्चस्विनी को पता नहीं चलने देना चाहिए कि हम यहाँ पर तारा के साथ क्या कर रहे हैं। उसे लगता है कि मैं तारा की आवाज वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं तो यहाँ पर। इतना कहकर कार्तिक पुजारी खुद चुप हो जाते हैं। बिंदु फिर कहती है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए पुजारी जी, वर्चस्विनी जी को इस बारे में भनक तक नहीं लगेगी। 2 साल से जैसे चलता आ रहा है अब आगे भी वैसे ही चलते रहेगा। कार्तिक पुजारी बिंदु की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देने लग जाते हैं। रात हो चुकी थी और रज्जन काला झाड़ी जंगल के अंदर भटक रहा था। रज्जन पहले की तरह जवान हो चुका था, ठीक वैसा ही जैसा वो तब था जब वो यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर आया था। रज्जन शारीरिक तौर पर तो बलवान लग रहा था, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से टूटा हुआ हो, उसे खुद के बदन से भी नफरत होती हो। रज्जन मायूसी के साथ काला झाड़ी जंगल के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। रज्जन खुद से बात करते हुए कहता है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे उस रात यामिनी को सच्चाई बतानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता था अगर मैंने उसे सच्चाई बता दी तो वो मेरा साथ छोड़ देगी, मेरा चेहरा तक कभी नहीं देखना चाहेगी। पर उस रात कैसे मैं उसे सारी सच्चाई नहीं बताता, मैंने उससे वादा किया था सब कुछ बताने का, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। मैं यामिनी की मदद करना चाहता हूँ पर वो मेरी मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करूँ मैं। रज्जन फिर खुद से बोल पड़ता है, मैं चाहूँ तो अभी अपने यक्षिण लोक वापस लौट सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा तो कामेश्वरी यक्षिणी को अपने साथ ही इस लोक से लेकर जाऊँगा, पर मैं यामिनी की मदद के बिना कामेश्वरी को नहीं ढूंढ सकता, ना ही यामिनी मेरी मदद के बिना कामेश्वरी को ढूंढ सकती है। अब ये बात मैं यामिनी को कैसे समझाऊँ, वो तो मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। रज्जन नम लहजे के साथ फिर बोल पड़ता है, 2 साल से तलाश कर रहा हूँ मैं कामेश्वरी की, पर उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। पता नहीं वो भक्षानर का अंश कामेश्वरी को कहाँ पर लेकर गया है। रज्जन कुछ सोचते हुए कहता है, चाहे यामिनी कुछ भी बोले, मुझे यामिनी से एक और बार बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि हम दोनों साथ मिलकर ही कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढ सकते हैं, अलग रहे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे यामिनी से जाकर बात करनी होगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।